Good morning, students. Welcome to DK English Pathshala. The lesson which we are going to discuss today is Deep Water. This is included in the book Flamingo of Class 12th, and this is composed by William Douglas. Let's talk about the author, William Douglas. His full name is William Orville Douglas. You can see the picture at the side. And his lifespan, born in 1898 and died in 1980. As far as profession is concerned, he was an American jurist and politician. And what was his achievement? Achievement means uplabdhi, kya unke jeevan ki uplabdhi rahi hai. He was the youngest and the longest service justice. Sabse kam umr mein aur sabse lambe samay tak serve karne wale wo justice nyayadhish the. And other compositions, if we talk of, two compositions here are described. One is Of Man and Mountains, and the another one is Go East. As far as this present lesson Deep Water is concerned, jahan tak is lesson Deep Water ka sawal hai, it is in the form of autobiography. Ye autobiography yani atmkatha ke roop mein hai. William Douglas isme apne jeevan ke kuch sansmaran yani kuch special cheeze jo baatein hain वो आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है. चलिए बात करते हैं मेन पार्ट्स ऑफ द लेसन की. लेसन को किन किन पार्ट्स में बांटा जा सकता है. द पहला है द राइटर्स अवर्जन टू वाटर इन चाइल्डहुड. अवर्जन कहते हैं फियर को. तो राइटर का किस तरह से बचपन में ही पानी के प्रति फियर डेवलप हो गया था. देखिए फियर हर आदमी का अपना अपना एक फियर होता है, और ये फियर की फिर लेटर स्टेज हो जाती है फोबिया. और ये फोबिया जो होता है पूरी तरह से दिमाग पर हावी हो जाता है, और उसके बाद में आप उस काम को करने की जब कोशिश करते हैं तो वो फोबिया आपको बढ़ने नहीं देता है. तो इस लेसन का जो मेन पर्पज़ यही है कि आपको इस प्रकार के डर से किस प्रकार से हमें मुक्ति पानी चाहिए. हम उस डर के साथ में लंबे समय तक वी कैनॉट लिव फॉर ए लॉन्ग टाइम. हम उसके साथ में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते. अगर हम इफ़ वी एग्जिस्ट विद द फियर, अगर हम उसी डर के साथ में रहते हैं, तो इट अल्टीमेटली हैम्पर्स आवर कॉन्फिडेंस. ये हमारे कॉन्फिडेंस को हैम्पर करता है, एंड वी कैन नॉट अचीव द सक्सेस. सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस फियर को ओवरकम करें. तो फियर को ओवरकम करना बातों से तो होता नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छे डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है और बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत होती है. तो राइटर के बचपन में ही उसे पानी के प्रति डर डेवलप हो गया था. तो ये कहानी जो है, ये लेसन इसी बारे में बात करता है कि हाउ द राइटर गॉट रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर फियर ऑफ वाटर. कैसे उसने उस वाटर के फियर से मुक्ति पाई. तो पहला जो पार्ट है द राइटर्स अवर्जन टू वाटर इन चाइल्डहुड, कि राइटर ने किस प्रकार से चाइल्डहुड में उसे पानी का डर डेवलप हुआ. फिर द मिस एडवेंचर एट YMCA पूल, और एक पूल में एक बहुत बड़ा मिस एडवेंचर हुआ, बहुत बड़ी दुर्घटना उसके साथ में हुई. हिज डिसीजन टू लर्न स्विमिंग, और इसी मिस एडवेंचर ने उसे स्विमिंग सीखने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया. और फिर उसने क्या एफर्ट्स किए. और फिफ्थ रेसिड्यूअल डाउट्स, फिर उसने बचे खुचे डाउट्स को दूर करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए. तो दीज आर द फाइव इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. और लेट मी टेल यू, बताना चाहूँगा मैं आपको कि ये जो फियर है ये केवल पानी के फियर तक ही सीमित नहीं है. आप अपने किसी भी फियर के लिए इस पर्टिकुलर लेसन को अप्लाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि उस फियर को दूर करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स हमें करने चाहिए. अगर आप चाहें तो अपने फियर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट, द राइटर्स अवर्जन टू वाटर इन चाइल्डहुड. राइटर का किस प्रकार से बचपन में ही पानी के प्रति फियर डेवलप हुआ. नंबर वन, विलियम डगलस हैड डेवलप्ड अवर्जन टू वाटर इन हिज चाइल्डहुड व्हेन ही वाज मियरली 3 to 4 ईयर्स ओल्ड. 3 से 4 साल का जब वो था तभी से ये वाटर का फियर डेवलप हो गया था. हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया. उसके पापा उसे कैलिफोर्निया के बीच पर लेकर गए थे. वाइल सर्फिंग, पानी में सर्फ करते वक्त, द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन. जो वेव्स थी, वाटर वेव्स, उसने उसे नीचे गिरा दिया. ही कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, उसे सांस भी प्रॉपर नहीं आई, सफोकेशन हो गया. ही फ्राइटन्ड बैडली, और इसके कारण वो बुरी तरह से डर गया. द टेरर ऑफ वाटर फ्रोज इन हिज माइंड, और ये जो पानी का डर था उसके दिमाग में जाकर जम गया, पूरी तरह से फ्रीज हो गया. व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 10 या 11 साल का हुआ, दे लिव्ड इन याकिमा,
तो वो याकीमा में रहते थे. द सिटी हैड ए रिवर नेमली याकीमा, और शहर के अंदर जो एक रिवर थी उस रिवर का नाम भी याकीमा था. डगलस मदर डिड नॉट अलाउ हिम टू गो नियर टू याकीमा रिवर. डगलस की माँ उसे याकीमा रिवर के पास जाने नहीं देती थी, बिकॉज शी थॉट द रिवर वॉज ट्रेचरस, क्योंकि उसे लगता था कि रिवर बहुत ट्रेचरस है, क्योंकि इसकी डेप्थ जो थी, इसकी गहराई थी, वो डेफिनेट नहीं थी, और वाटर लेवल इसका कभी भी उठ जाया करता था. देर वर मैनी ड्राउनिंग केसेस कनेक्टेड विद याकीमा रिवर. याकीमा रिवर के साथ में बहुत सारे डूबने वाले केसेस कनेक्टेड थे. सो हिज मदर डिड नॉट अलाउ हिम टू गो नियर टू याकीमा रिवर. तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई डिड डगलस मदर डिड नॉट अलाउ हिम टू गो नियर याकीमा रिवर. He was allowed to learn swimming in YMCA pool which was safe. उसे स्विमिंग के लिए परमिशन दी गई, लेकिन याकीमा रिवर में नहीं, YMCA pool जो कि सेफ था. It was only 3 to 4 deep at the starting. अब ये सेफ कैसे था? शुरुआत में तो ये केवल 3 से 4, शुरुआत जहाँ से इस पूल की हुआ करती थी वहाँ केवल 3 से 4 फीट ही गहरा था, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसकी डेप्थ थी 9 फीट. द डेप्थ इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, और यह डेप्थ भी अचानक से इंक्रीज नहीं होती थी, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हुआ करती थी. सो इट वॉज वेरी सेफ एंड सिक्योर. ही गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, उसने वाटर विंग्स की एक पेयर मिली स्विमिंग सीखने के लिए. एज सुन एज ही वेंट नियर द पूल, लेकिन जैसे ही वो पूल के पास में गया, YMCA पूल के पास, हिज अनप्लेजेंट मेमोरीज ऑफ द बीच रिटर्न्ड बैक. तो बीच पर जो उसे बिटर एक्सपीरियंस हुआ था कैलिफोर्निया के बीच पर अपने पिता के साथ में, वही जो जमा हुआ डर था वो वापस पिघल गया, और वापस वो डर गया पूरी तरीके से. द मिस एडवेंचर एट YMCA पूल, क्या मिस एडवेंचर उसे उसके साथ में हुआ, क्या दुर्घटना हुई YMCA पूल पर? नंबर वन, वन डे ही वॉज अलोन एट द पूल, एक दिन वो पूल पर अकेला था. ही वॉज वेटिंग फॉर अदर्स एज ही डिड नॉट डेयर गो इन टू वाटर अलोन. वो दूसरों का इंतज़ार कर रहा था. क्यों इंतज़ार कर रहा था? क्योंकि उसे पानी में अकेले जाने में बहुत डर लग रहा था, और वो कैलिफोर्निया वाला जो बीच वाला एक्सपीरियंस था वो तो उसे डरा कर पूरी तरह से उसने अपने क्लच में ले रखा था. आफ्टर सम टाइम, वहीं कुछ समय बाद, ए मसल्ड बॉय केम. मसल्ड बॉय मीन्स द पावरफुल बॉय. ही हैड ए लिटिल चैट विद द राइटर, उसने राइटर के साथ में थोड़ी बात की. एंड जस्ट थ्रू हिम इन टू वाटर, और उसे पानी में फेंक दिया फॉर ए प्रैंक, सिर्फ शरारत करने के लिए. डगलस हैड नो चॉइस. डगलस के पास में कोई चॉइस नहीं थी. एक तो वो पहले से डरा हुआ था, दूसरा वो स्विमिंग जानता नहीं था. ही लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में उसने लैंड किया, क्योंकि एफर्ट्स उसको करने आते ही नहीं थे, कुछ कर भी नहीं पाया. बट ही डिड नॉट लूज हिज माइंड, लेकिन उसने अपने दिमाग को बहुत शांत रखा, कूल रखा. और यही सीखने की बात है कि जनरली जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो हम हमारे दिमाग का संतुलन खो देते हैं. वी हैव टू कीप आवर माइंड कूल, काम एंड कंपोज्ड. वाइल गोइंग टू द बॉटम ही मेड ए प्लान, लेकिन जब वो बॉटम में जा रहा था पैंदे की तरफ, तो उसने एक प्लान बनाया. क्या प्लान था? इतना टाइम भी उसे मिला प्लान बनाने का, और इतना उसका माइंड भी कॉन्शियस था. हिज प्लान वॉज, उसका प्लान था, दैट एज सुन एज ही टच्ड द बॉटम ऑफ द पूल, कि जैसे ही वो पूल के बॉटम को टच करेगा, ही वुड मेक ए बिग जंप. वो एक बड़ा सा जंप करेगा, कम टू द सरफेस, ऊपर सतह पर आ जाएगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडलिंग करता हुआ एज पूल के एज पर आ जाएगा, किनारे पर आ जाएगा. ही वॉज स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ, उसे सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी. बट ही वर्कड ऑन हिज प्लान, लेकिन फिर भी उसने अपने प्लान पर वर्क किया. ही मेड ए जंप, जंप किया, बट देर वॉज नो डिफरेंस, लेकिन जंप का कोई भी परिणाम नहीं निकला. ही थॉट ही वुड मेक ए रैपिड जंप, उसे लगा था कि वो बड़ा फास्ट जंप करेगा, बड़ा हाई जंप करेगा, बट ही केम स्लोली, लेकिन वो बहुत स्लो जंप कर पाया. क्यों? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि पानी भी ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स डालता है. ही कुड नॉट सी एनीथिंग, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया बट वाटर, बस पानी पानी दिखाई दे रहा था. एंड ए येलो टिंज ऑफ लाइट, और एक पीले रंग की शेड लाइट की, जो सनलाइट थी वो दिखाई दे रही थी. ही क्लच्ड समथिंग, उसने कुछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ पानी. तो ही वॉज हेल्पलेस फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से वो हेल्पलेस था.
ही ट्राइड हिज प्लान 3 to 4 times. उसने अपना प्लान 3 से 4 बार ट्राई किया, बट फेल्ड, लेकिन फेल रहा. एट लास्ट ही सरेंडर्ड, लास्ट में उसने सरेंडर कर दिया. ही वॉज लूजिंग हिज ब्रेथ, उसकी सांस जा रही थी. अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, और बिल्कुल उसके दिमाग पर एक कालापन छा गया था. मीन्स ही कुड नॉट थिंक एनीथिंग, कुछ भी नहीं सोच पा रहा था वो. ऑल हिज एफर्ट्स हैड स्टॉप्ड, जब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो एफर्ट्स भी रुक गए. ऑल अराउंड देयर वॉज ए पीस, चारों तरफ बस शांति शांति छाने लग गई थी. इट वॉज नियर टू डेथ एक्सपीरियंस फॉर हिम, ये उसके लिए बिल्कुल मौत के पास का एक्सपीरियंस था. ही वॉज एस्लीप, उसे लगा जैसे वो सो गया है. वैन ही वॉक अप, जब वो जगा, ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन हिज स्टमक, तो उसने पाया कि वो पेट के बल लेटा हुआ है. वॉमिटिंग कंटिन्यूसली, लगातार उसे वॉमिटिंग हो रही है. पीपल वर स्टैंडिंग अराउंड हिम, लोग उसके आसपास खड़े थे. द बॉय हु हैड थ्रोन, जिस लड़के ने उसे पानी में फेंका था, हैड सेव्ड हिम, उसी ने उसे बचाया था. आफ्टर सेवरल आवर्स, कई घंटों के बाद, ही वेंट हिज होम बैक, वो अपने घर गया. हिज लेग्स वर ट्रेम्बलिंग ऑफ फियर, उसकी टांगें डर के मारे कांप रही थी. ही डिड नॉट ईट एनीथिंग दैट नाइट, उस रात उसने कुछ भी नहीं खाया. हिज स्टमक वॉज बैडली अपसेट, उसका पेट जो है बुरी तरह से अपसेट था, यानी उसे लूज मोशन हो गए थे डर के मारे. हिज डिसीजन टू लर्न स्विमिंग, ग्रेजुअली ही स्टार्टेड टू रिकवर फ्रॉम हिज फियर, धीरे धीरे उसने अपने डर से रिकवर होना शुरू किया. एज ही वेंट नियर द वाटर बॉडीज, लेकिन जैसे ही वो पानी की अलग अलग जो सोर्सेज होते हैं उनके पास जाता, हिज फियर केम बैक, उसका फियर रिटर्न होकर आ जाता. ही ट्रेम्बल्ड अगेन, और वो फिर से कांपने लगे था डर के मारे. द फियर हैड डिस्ट्रॉयड ऑल हिज वाटर प्लेजर, इस डर ने उसके सारे जितने भी पानी के एक्सपीरियंस थे, जितने भी पानी के मज़े थे, प्लेजर थे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था. ही वॉज फॉन्ड ऑफ फिशिंग ट्रिप्स, उसे फिशिंग करने में मज़ा आता था. कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, इन सभी चीज़ों में मज़ा आया करता था उसे. लेकिन पानी के डर के मारे ये सभी चीज़ें उसकी रुक गई थी. देर वर ओनली 2 choices लेफ्ट विथ हिम, उसके पास केवल 2 ही choices बची थी. वाटर प्लेजर, या तो पानी के प्लेजर, जो पानी के मज़े हैं, पानी में आनंद लेना, या फिर फियर ऑफ वाटर, या फिर जो पानी का डर है, उन दोनों में से उसे कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी थी. एंड ही चोज वाटर प्लेजर, और उसने वाटर प्लेजर चुना. उसने ये सोचा कि वो वाटर के जो प्लेजर हैं इनको एंजॉय करके रहेगा, और उसको एंजॉय करने के लिए उसे पानी के डर से मुक्ति पानी पड़ेगी. इसलिए ही डिसाइडेड टू डिफीट द फियर ऑफ वाटर, उसने डिसाइड कर लिया. ही वॉज डिटर्मिंड, निश्चय कर लिया कि वो पानी के डर से मुक्ति पाएगा ही पाएगा. हिज एफर्ट्स टू लर्न स्विमिंग, तब एफर्ट्स करने पड़ेंगे पानी के डर से मुक्ति पाने के लिए, स्विमिंग सीखनी पड़ेगी. तो ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, उसने स्विमिंग सीखने का निश्चय कर लिया. ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया. द इंस्ट्रक्टर मेड हिम प्रैक्टिस 5 days a week, इंस्ट्रक्टर ने उसे 1 हफ्ते में 5 दिन तक लगातार प्रैक्टिस कराई. हफ्ते के 5 दिन उसे, मतलब हफ्ते में 5 दिन उसे प्रैक्टिस करनी पड़ती थी. ही प्रैक्टिस्ड स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ ए रोप, और वो हमेशा एक रोप की हेल्प से स्विमिंग की प्रैक्टिस किया करता था, जो उसके बेल्ट पर लगी होती थी, और उसका दूसरा हिस्सा जो हुआ करता था उसके इंस्ट्रक्टर के हाथ में हुआ करता था. और ये रोप एक ऊपर पुली लगी हुई थी, पुली कहते हैं घिरनी, जो सामान्यतः कुओं में पाई जाती है, कुओं में से पानी की बाल्टियाँ खींचने के लिए. तो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन में इंस्ट्रक्टर उसे कंट्रोल करता था. द इंस्ट्रक्टर मेड हिम लर्न इनहेलिंग एक्सहेलिंग इन वाटर, इंस्ट्रक्टर ने उसे सिखाया कि पानी में कैसे सांस लेते हैं और कैसे सांस छोड़ते हैं. ही आल्सो लर्नड ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, क्राउलिंग, बैक स्ट्रोक एंड किकिंग लेग्स, ये सब स्विमिंग की टर्मिनोलॉजी है. ब्रेस्ट स्ट्रोक कैसे प्ले करते हैं, साइड स्ट्रोक, क्राउलिंग, बैक स्ट्रोक एंड किकिंग लेग्स, ये सब उसने सीखा. ही टॉट ऑल द थिंग्स इन पीसेस एंड देन इंटीग्रेटेड दैम, उसके जो इंस्ट्रक्टर ने ये सभी चीज़ें उसे टुकड़ों टुकड़ों में करके सिखाई, एक एक करके सिखाई, और फिर सबको इंटीग्रेट करके, इकट्ठा करके उसे खूब प्रैक्टिस कराई, लगभग 6 months तक. आफ्टर 6 months ही वॉज डिक्लेयर्ड अ कम्प्लीट स्विमर,
और 6 महीने के बाद में उसे एक पूरी तरह परफेक्ट स्विमर डिक्लेयर कर दिया गया उसके कोच के द्वारा। बट द स्टोरी हैड नॉट एंडेड, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। येट देयर वर सम डाउट्स, अभी भी कुछ डाउट्स उसके दिमाग में थे। तब यहाँ क्या होता है, जैसे एक टीचर क्लास में पढ़ाता है, उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को अपने दिमाग से करनी होती है। आप अगर कोई चीज़ सीखते हैं, कोई चीज़ करना सीखते हैं, तो पहले आपको उसको करके भी देखना होता है। तो आगे किस तरह की परेशानियाँ आई उसके पास, रेसिड्यूअल डाउट्स, बचे खुचे अभी कुछ डाउट्स उसके दिमाग में थे। डगलस हैड सम रेसिड्यूअल डाउट्स वेन एवर ही वेंट नियर एनी रिवर एंड पूल, जब भी वो किसी रिवर या पूल यानी किसी भी वाटर बॉडी के पास जाता, हिज ओल्ड टेरर वुड रिटर्न बैक। तो फिजिकली तो उसने डर से मुक्ति पा ली थी, लेकिन मेंटली अभी भी वो उसके दिमाग में जमा हुआ था। हिज लेग्स वर फ्रोजन, उसकी टांगें पूरी तरह से फ्रीज हो जाया करती थी जब भी वो डर उसके दिमाग में लौट कर आया करता था। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू ट्राई ऑल वाटर बॉडीज, इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो सभी वाटर बॉडीज में जाएगा सब प्रकार के, ताकि उसके मन में ये ना रहे कि रिवर में तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती या पूल में प्रॉब्लम होती, इस तरह की कोई टेंशन ना रहे और उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ही वेंट टू ऑल रिवर्स लेक्स एंड ऑल अदर वाटर बॉडीज। हिज टेरर रिटर्न, टेरर उसका लौट के आता। ही डबल्ड हिज एफर्ट्स, लेकिन वो अपने एफर्ट्स को डबल कर देता, और ये प्रोसेस चलती रही। एट लास्ट ही गेन्ड हिज कॉन्फिडेंस, और अंत में वो दिन आया जब उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। टेरर वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड, टेरर को पूरी तरह से डिफीट कर दिया गया। देर वॉज नो टेरर, अब किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। एंड ही रियलाइज्ड, और उसे खुद को भी रियलाइज हो गया कि दैट ही वॉज ए परफेक्ट स्विमर, कि वो एक अच्छा परफेक्ट स्विमर बन चुका था। स्टोरी का मॉरल क्या है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट्सेल्फ, हमें जिस चीज़ से डरने की ज़रूरत है वो सिर्फ डर ही है, बाकी हमें और किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। द फियर इज़ नथिंग, फियर कुछ भी नहीं है, बट ए स्टेज ऑफ माइंड, ये दिमाग की स्टेज है। इट ब्रिंग्स आवर कॉन्फिडेंस डाउन, ये हमारे कॉन्फिडेंस को नीचे लेकर आता है। डज नॉट अलाउ अस टू वर्क, हमें काम करने नहीं देता है। एंड अफेक्ट्स आवर एफिशियंसी, और हमारी एफिशियंसी को अफेक्ट करता है। एनी टाइप ऑफ फियर, किसी भी प्रकार का डर हो, क्लचेज आवर माइंड, हमारे दिमाग को क्लच कर लेता, पकड़ लेता है। एंड हैम्पर्स आवर प्रोडक्टिविटी, और हमारी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और अप्रोच, इन तीनों चीज़ों को प्रभावित करता है। देयरफॉर वी नीड टू फियर द फियर, इसलिए हमें दुनिया में किसी और चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डर से डरने की ज़रूरत है। इस डर को हमें अपने आसपास में नहीं फटकने देना चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ द फियर टू डेवलप इन आवर माइंड बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, अगर किसी रीज़न से अगर ये डेवलप हो भी जाता है तो वी शुड वर्क हार्ड टू ओवरकम इट, हमें खूब मेहनत करनी चाहिए ओवरकम करने की। अब ये आपके सब्जेक्ट्स पे भी लागू हो सकता है, अगर आपको किसी सब्जेक्ट स्पेशल से अगर फियर है तो आप उस फियर के साथ में लंबे समय तक ज़िंदा नहीं रह सकते, यू कैन नॉट एग्जिस्ट विद दैट फियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो फियर आपकी एफिशिएंसी और आपकी अप्रोच को किल करेगा और आपके कॉन्फिडेंस को डाउन लाएगा। तो कैसे अगर सब्जेक्ट का फियर है तो उसे दूर करें, सिंपल गाइडेंस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आपने देखा फियर बार बार रिटर्न होके आया, लेकिन बार बार उसने पूरी कोशिश की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द राइटर डेवलप एन अवर्जन टू वाटर इन चाइल्डहुड, ये आपके इसमें पीछे वाली स्लाइड्स में इसके आंसर मिल जाएंगे। वाई डिड डगलस मदर नॉट अलाउ हिम टू गो टू द याकिमा रिवर, वाई वॉज द YMCA पूल सेफ, वट मिस एडवेंचर हैपन्ड एट द YMCA पूल, हाउ डिड इट अफेक्ट डगलस। अब कुछ बच्चों ने कॉमेंट बॉक्स में ऐसे भी लिखते हैं बच्चे कि आप तो सिर्फ रीडिंग करते हो और कुछ और नहीं करते हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये मैं आपके लिए अपने आपकी सुविधा के हिसाब से बनाता हूँ, ये पॉइंट्स बनाता हूँ मैं, ताकि एक जो स्लो से स्लो बच्चा है वो भी उन पॉइंट्स को पढ़ के याद रख सके। तो इन पॉइंट्स को बनाने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक एवरेज वीडियो को बनाने में भी मुझे कम से कम 7 से 8 घंटे लगते हैं। पहले सोचना पड़ता है कि इस लेसन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स इसी स्लाइड्स में इसी शो में इंक्लूड हो जाए, ताकि बच्चे को इधर उधर ना जाना पड़े। व्हाई डिड डगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग, इसमें आपको वही लिखना है क्योंकि इट हैड
destroyed its water pleasure. तो ये जहाँ भी लिखा हुआ है वो सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने पड़ेंगे. हाउ डिड डगलस लर्न स्विमिंग, इंस्ट्रक्टर को हायर करना, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, फिर रेसिड्यूअल डाउट्स, ये सब आपको इंक्लूड करना है. ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इट सेल्फ, इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी भी स्लाइड अलग से बनी हुई है. वट मैसेज डज द स्टोरी लीव फॉर अस, स्टोरी क्या मैसेज हमारे लिए सेंड करती है. सबसे पहला मैसेज है डिटर्मिनेशन का, और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें हार्डवर्क करते रहना चाहिए, एफर्ट्स करते रहना चाहिए, और किसी भी प्रकार का अगर कोई डर है जो हमारे दिमाग पर हावी है तो पहले हमें उस डर से मुक्ति पाने की कोशिश करनी चाहिए और अपना कॉन्फिडेंस वापस लेकर आना ही चाहिए, तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ द मैसेज, द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी इज़ द डिटर्मिनेशन दैट वी शुड बी डिटर्मिन्ड टू आवर गोल एंड टारगेट and we should work hard for whatever we have decided and we cannot live with fears, whatever the fears we have to work hard to get rid of them. Please like and share with your friends if you like my video and subscribe the channel DK English Pathshala. Thank you again.